अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्शनल लर्निंग। अब हम बढ़ते हैं अपनी किताब की तरफ, जिसका अनवान है गोहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप एज 3+। अब हम मौजूद हैं सफ़ा नंबर 2 के ऊपर, जिसके ऊपर है हरूफ तहजी का पहला लफ्ज़ अलिफ। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ उस्ताजा के लिए मालूमात है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, बच्चों को उर्दू हरूफ तहजी के हर्फ अलिफ और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोल कर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि अलिफ की आवाज़ क्या है। बच्चों को बताएं कि अलिफ की आवाज़ अ अ अलिफ अ अ अलिफ है। बच्चों को हर्फ अलिफ उंगली से हवा में लिख के दिखाएं। बच्चों को बताएं कि हर्फ अ अ अलिफ हवा में कैसे लिखना है, ताकि बच्चे इस बात को ज़हन-नशीन कर लें। बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला का प्यारा नाम भी अलिफ से शुरू होता है। बच्चों को बताएंगे कि अल्लाह ताला का प्यारा नाम भी अलिफ से शुरू होता है, तो बच्चे इस बात को और भी ज़्यादा जल्दी याद कर लेंगे। बताइए कि हर्फ अलिफ का तलफ़ुज़ अलिफ है, अलिफ है। अलिफ से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताइए, जैसे अनार, अखरोट वगैरह वगैरह। बच्चों को बताइए कि अलिफ से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। आप अपनी कमरा जमात में भी मौजूद बहुत सी ऐसी चीज़ों को बच्चों को बताइए जिसकी अल्फाज अलिफ से शुरू होते हों। जो चीज़ें मौजूद हैं आपके कमरा जमात में, वो अलिफ से शुरू होती हों, बच्चों को बताइए। क्योंकि जो चीज़ बच्चे देख के याद करते हैं, वो बच्चे वैसे याद नहीं कर पाते। आखिर में हमारे पास मौजूद है, बच्चों को बताइए कि अनार एक सेहत बख्श फल है। अनार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको खाने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अंडे को हमें रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों को बताएं कि इससे खाने से हमें ताकत मिलती है। अखरोट एक खुश्क मेवा है, अखरोट एक खुश्क मेवा है जो कि हम सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 2 की तरफ दोबारा से, जहाँ पर मौजूद हैं अलिफ के कुछ दोस्त। और वो कौन हैं? अरे वाह, अलिफ के दोस्त हैं, वो कौन कौन से हैं? ये तो बहुत रंग बिरंगा सा नहीं लग रहा, ये क्या बना हुआ है हमारे पास? हमारे पास मौजूद है अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार बड़ा मज़ेदार, अलिफ से अखरोट मुझे चाहिए और, अलिफ से अंडा बड़ा अच्छा अंडा। अब हम जानेंगे कि अनार का रंग क्या है, अखरोट का रंग क्या है और अंडे का रंग क्या है। हम देख रहे हैं कि अनार का रंग क्या है। अरे वाह, अनार का रंग तो लाल है और ये कितना खुश नज़र आ रहा है। खुश क्यों नज़र आ रहा है भाई? खुश तो इसलिए होगा क्योंकि उसको पता है कि वो जन्नत का फल है और सब इसको बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मीठा होता है और थोड़ा थोड़ा सा तुर्श होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अखरोट की तरफ। अखरोट तो मुझे सैड सैड सा लग रहा है, पर क्यों लग रहा है? पता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि आप सब लोग मुझे बस सर्दियों में याद करते हो और तो नहीं याद करते, पर क्या करें, अखरोट जो होता है खुश्क मेवा होता है, ड्राई फ्रूट है हमारा, तो हम इसको सर्दी में ही यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर। और अब हमारे पास मौजूद है अंडा। अंडे को देखिए ज़रा, कितनी प्यारी कैप लेके ऊपर देख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सब सुबह नाश्ते में खाते हैं, इसको इसी वजह से वो कह रहा है सुबह सब नाश्ते में मुझे खाएंगे तो कोई मेरा क्या बनाएगा, ऑमलेट बनाएगा, हाफ फ्राई करेगा, क्या करेगा? चले, तो डिपेंड करता है ना हम पे कि हम कैसे खाते हैं इसको। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।